मेरे दोस्त, याद रखना कि इस दुनिया में गैरों से ज्यादा अपने ही दर्द देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जब लोग आपको अपमानित करें, आपका इंसल्ट करें, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी अपना इंसल्ट, अपना अपमान मंजूर नहीं है और मंजूर और सहन करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो फिर भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको इंसल्ट करेंगे। अगर आप जिंदगी में कुछ अलग ट्राई करते हो फिर भी लोग आपका इंसल्ट करेंगे, आपके पैसों का, आपके कपड़ों का, आपके प्रोफेशन का, हर घड़ी हर समय कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोग आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप सही जवाब दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लोग आपका इंसल्ट क्यों करते हैं, इसमें चाणक्य क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सड़े हुए फूल केवल बदबू ही देते हैं और अच्छे फूल केवल सुगंध देते हैं, उसी तरह जिनकी सोच गंदी है, जिनकी नीयत गंदी है, जो आपसे जलता है, जिसके दिल में यह लगता है कि आप उनसे बेटर हो, वही आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको अपमानित करके अपने आप को थोड़ा आपसे बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वही अपमानित करेगा जो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता, वही आपका इंसल्ट करता है, वही आपकी बुराई करता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको पहला काम करना है कि कभी भी गुस्सा नहीं करना है। जी हाँ, ये नहीं कि पत्थर उठाओ मार दो सर फूट जाए, गुस्सा नहीं करना है आपको, अपने चेहरे पर मुस्कान रखना है। अगर आपको गुस्सा आ भी जाता है तो अपने गुस्से को अंदर ही रखिए, अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं होने दीजिए, क्योंकि अगर आप गुस्से हो जाते हो, आप भावुक हो जाते हो, वही तो चाहता है तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो आप ही जीतोगे। और गुस्सा नहीं करोगे, शांत दिमाग से आपको जवाब देना है उसको। जवाब कैसे देना है आपको ये याद रखना होगा, ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे, और आपका माइंड तभी काम करेगा जब आप शांत रहोगे। अब देखिए एग्जांपल में मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, अब सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप तरीका मैं एग्जांपल के आपको बताता हूं। जैसे कोई अगर आपसे ये कहता है कि अरे तू अभी जिंदगी में क्या कर पाया, अभी जिंदगी में तू क्या कर रहा है, फलाने का लड़का तो ऊक बन गया, तू अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं होना है, बस आपको हंसते हुए जवाब देना है कि मैं तो आप ही को आदर्श मानता हूं, पहले आप जिंदगी में कुछ कर लो, फिर आप जो करोगे मैं भी वही करने लगूंगा, क्योंकि मैं आपका चेला हूं, आप मेरे गुरु हैं, तो मैं जो काम कर रहा हूं उसे छोड़कर आपका काम करने लगूंगा, लेकिन पहले आप तो जिंदगी में कुछ कर लो। अगर आप ऐसा हंस के बोलते हो ना, तो जो समझने वाला रहेगा, जो जानता है, उसे अपमानित लगेगा आपसे, वो लड़ाई भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका जवाब दिया, बहस नहीं किया है, हंसते हुए कहेंगे ना तो अपने आप अपमानित हो जाएगा। अब उसकी नजर में आप एक बुद्धिमान हो जाओगे। देखिए याद रखना है आपको कि लोहा अगर गर्म है तो उसको किसी भी आकार में आप बदल सकते हो, लेकिन अगर वही लोहा ठंडा हो जाता है ना, तो उसका आकार बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका दिमाग शांत है तो आप हर सिचुएशन में अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग उत्तर निकाल पाओगे, लेकिन अगर आप गुस्से हो जाते हो, अगर आप भावुक हो जाते हो, तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, आपको टॉपिक को चेंज करना है। अब कैसे टॉपिक को चेंज करना है, अगर किसी टॉपिक पे आपका मजाक उड़ाया जा रहा है तो आप क्या कीजिए, टॉपिक को चेंज कीजिए, घुमा फिरा कर टॉपिक को बदलते हुए, जो आपका अपमान कर रहा है उसकी तुलना जो उसके कैटेगरी के लोग हैं, जो उसका पड़ोसी है, जो उसका दोस्त है, उससे करना है, और जो उससे सक्सेस है, मतलब उसकी तुलना दूसरों से कर दीजिए जो कि उससे ज्यादा सक्सेस है। देखिए उसके पिछवाड़े में मिर्ची लग जाएगी, आप उसके नीचे बम रख देंगे, अगर आप ऐसा करने में सहमत हो गए तो वो दोबारा आपसे पंगा नहीं लेगा, और जो आपकी ये बात को, इस हरकत को देखेगा ना, वो भी कभी आपका इंसल्ट करने का मतलब जरूरत नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि अगर आपकी गलती है, लोग आपकी गलती का इंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको उसे स्वीकार कर लेना है, आपको हंसते हंसते अपनी गलती को मानना है और उस बात को वहीं दबा देना है, इसलिए आपको अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना है। तो मेरे दोस्त यही तीन पॉइंट आपको हमेशा अपनानी चाहिए, ताकि आप जिंदगी में सक्सेस हो सको, आप औरों से आगे सोच सको, और लोगों की नजर में आप एक बुद्धिमान, आप एक सक्सेसफुल आदमी की नजरिया से आप रह सको। तो मेरे दोस्त सहमत हो, सब्सक्राइब मारो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।